हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राई मसाला चना रेसिपी। इस रेसिपी को भी बनाना बहुत सिंपल और इजी है। इस रमज़ान आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसकी ये है कि आप इसको सोक करें पहले ओवरनाइट के लिए। इसके बाद आप इसको प्रेशर कुक करें और प्रेशर कुकर के टाइम इसमें ऐड कीजिए 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून सोडा। तो सोडे से जो है चने काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल गरम करें। और इसमें ऐड करें थोड़ी सी हींग। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है प्याज और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो जाने के बाद हमें इसमें ऐड करना है ग्रीन चिली और इसको भी हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ हल्दी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। मैंने कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ क्यूमन सीड पाउडर यानी कि जीरा पाउडर। इसको डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भूनना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राइड मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर। तो जो हमारा मसाला है वो जले नहीं, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तो इनको अच्छे से मिक्स कीजिए और ज़रूरत के मुताबिक ही हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है हमारे बॉईल किए हुए चने और चनों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। याद रखें जब हमने प्रेशर कुक किए थे चने तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया था, तो इसे बहुत ध्यान से डालें। सब मिक्स करने के बाद हमें इसको ढककर रखना है 2-3 मिनट के लिए। तो चने बनकर बिल्कुल रेडी हैं और आप इसे सर्व कीजिए। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ मिंट लीव से। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। इस मसालेदार चने को इस रमज़ान अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।